पिछले कुछ दिनों से वी फाउंड कि रामायण को लेकर ऑडियंस में डिफरेंट लेवल का क्रेज बना हुआ है, जहां इससे रिलेटेड बहुत से कॉन्ट्रोवर्सीज भी देखने को मिल रही हैं। कोई रामायण को फेक बता रहा है तो कोई इसे अपने अस्तित्व का कारण बता रहा है। सभी के पास अपना पर्सनल थॉट है और वो उसके बेस पर चीजें मान रहे हैं। बट इन रियलिटी क्या रामायण एंड महाभारत जैसी कहानियाँ सच में हुई थी या फिर सिर्फ ये काल्पनिक कहानियाँ हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेक्ट बताएंगे जो आपको सच या झूठ तो पता नहीं बट एक थर्ड डायमेंशन सोचने की पावर जरूर देगा। लेट्स नो सम पॉइंट्स। नंबर वन, हिस्टोरिकल कल्चर। समय के साथ कल्चर बदलता रहता है बिकॉज एवरीथिंग इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। जब भी हम भारत के कल्चर के बारे में बात करते हैं सो हमारा कल्चर बहुत ही इम्पैक्टिव रहा है। वो एक ऐसा समय था जहाँ बड़े बड़े राजा हुआ करते थे और लोगों में बहुत ही सरलता होती थी। लोग बहुत ही साधारण जीवन जीना पसंद करते थे जहाँ किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ करती थी। सो समझने वाली बात यह है, किसी इंसान के थ्रू उस समय जब ऐसी कहानियाँ या फिर किसी रियल इंसिडेंट को लिखा गया होगा सो उन्होंने किस एनवायरनमेंट में क्या सोच के लिखा होगा, इसे समझना बहुत जरूरी है। और लोग इसे बिल्कुल नहीं समझ रहे। लोगों ने इस चीज का मतलब कुछ और ही निकाल लिया है, जिसकी वजह से आज लोगों में धर्म को लेकर कॉन्ट्रोवर्सीज होती रहती है, जबकि धर्म के असली मायने और रामायण की रियल डेप्थ को कोई नहीं समझ सकता। सो बिना सोचे समझे किसी चीज को फॉलो करना और प्रूव करना कि यही सच है, ये तो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट, लेट इट बी, जस्ट एंजॉय। नंबर टू, मॉडर्न एरा। आज दुनिया टोटली बदल चुकी है एंड लोगों में इम्पेशियंस चरम सीमा पर है। लोग कुछ समझना नहीं चाहते, उन्हें जल्दी आउटकम चाहिए और यही प्रॉब्लम रामायण के साथ भी है। यूथ हमारे स्क्रिप्चर्स को सही से समझना नहीं चाहते, बस उसके आउटकम के लिए वेट करते हैं। और आउटकम भी ऐसा जहाँ सिर्फ दो धर्मों में सेपरेशन, हाई एंड लो, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, यही चीजें लोगों का माइंडसेट है, जिसका मेरे हिसाब से कोई समाधान नहीं है। लोग कल्चर की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, बट इन रियलिटी उन्हें कुछ नहीं पता, बस वो सेंस ऑफ प्रेजर में खोए रहते हैं और यही से रामायण जैसी अमेजिंग स्क्रिप्चर्स का अपमान होता है। सो इन मॉडर्न एरा दिस इज रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मेक टू अंडरस्टैंड। नंबर थ्री, कॉन्ट्रोवर्सीज। रिसेंट की कई कॉन्ट्रोवर्सीज हैं जो धर्मों से रिलेटेड कॉन्ट्रोवर्सीज थी, जबकि इंडिया जैसे देश में कई और भी प्रॉब्लम्स हैं एंड नो वन टॉक अबाउट इट। इन द रिसेंट हमने देखा है कि ध्रुव राठी को कॉन्ट्रोवर्सीज में लिया जा रहा है, जहां उन्होंने बोला कि रामायण जैसी कहानियां सिर्फ कहानियां ही हैं। और इस स्टेटमेंट को काउंटर करते हुए लोगों ने अपने स्टेटमेंट्स दिए, जहां ध्रुव राठी को कई हद तक क्रिटिसाइज भी किया गया एंड अभी भी किया जा रहा है। बट इन सभी कॉन्ट्रोवर्सीज में समझदार वो है जो ये बात समझता है कि रामायण चाहे एक कहानी हो या फिर एक पास्ट का रियल इंसिडेंट, उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। बस वो ये देखता है कि वो उन कहानियों से क्या सीखता है और यही रियलिटी है। जो इस लेवल की चीजों को देखता है वहाँ धर्म को लेकर कोई भी कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं होती। नंबर फोर, डेप्थ ऑफ रामायण। नॉट टॉकिंग मोर, रामायण इज नॉट अबाउट बॉडी शेप ऑफ राम, रामायण इज ऑल अबाउट नेम ऑफ राम। सो नो अबाउट नेम ऑफ राम, एवरीथिंग यू विल गेट। नंबर फोर, व्हाट यू थिंक। एज गुड ह्यूमन बींग हम सभी का ये फर्ज बनता है कि हम अपने देश की शांति के लिए भागीदार बने, ना कि उसके सेपरेशन के लिए। चीज़ें जो लिखी गई हैं उसमें एक डिफरेंट लेवल है जहाँ तक नॉर्मल इंसान नहीं पहुँच सकता, एंड दैट इज़ वाई एक्सेप्ट दैट एंड डोंट इन्वेस्ट योर माइंड इन दैट। बी हैप्पी एंड बी लविंग विद एवरीवन। अब हमें आप बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। डू लेट अस नो इन द कॉमेंट। बाय बाय।